प्रदेश सरकार द्वारा बसों के किराए में 25% की बढ़ोतरी से निजी बस चालकों की आमदनी पर नकारात्मक असर पड़ा है। कोरोना संकट काल के साथ ही बस किराया बढ़ोतरी से यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज हुई है। वहीं बस चालक कम सवारियों के चलते खाली बसें चलाने को मजबूर हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बस ऑपरेटर्स बसों से तेल का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। हिमाचल की जयराम सरकार द्वारा बस किराए में 25% की वृद्धि का असर अब बस चालकों की आमदनी पर पड़ने लगा है। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के चलते जहां पहले बस सर्विस बंद रहने से बस ऑपरेटर्स सहित मालिकों के आर्थिक हालात खराब हो गए थे, तो वहीं अब बस किराए में 25% की वृद्धि से यात्रियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते पहले ही बसों में कम सवारियां आ रही थी, ऐसे में किराए में बढ़ोतरी करने से अब यात्रियों की संख्या में और भी अधिक कमी आ गई है। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि बस में तेल भरवाने के पैसे भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बसों के किराए तो बढ़ा दिए पर सवारी मिल नहीं रही है, तेल खर्चा भी नहीं निकल रहा है। दो दिन ना ड्राइवर कनेक्टरों की दिहाड़ी निकल रही है। 200-300 रुपये घुमार मीट से सुंदरनगर के लिए बन रहा है, उसमें ना तेल खर्चा हो रहा है ना हमारी दिहाड़ी निकल रही है। तो किस बोल रहे हो, चलाओ क्या करना हो, चलो चलाने तो पड़ना है। मैं जी मैं बस मालिक हूँ। कल ही हाल ही में हमने बसें अपनी चलाई हुई हैं, तो सवारी तो देखने के लिए 5-10% सॉरी जो है निकल रही है बसों में, तो इससे हमारे डीजल का खर्चा और ड्राइवर कनेक्टर का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। तो हमारी सरकार से ये भी मांग रहेगी कि एक तो पर्ची जो बस स्टैंड में लगाई हुई है वो भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारा खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा है। और दूसरी मांग हमारी है कि जो 4 महीने से ड्राइवर कनेक्टर हमारे जो घरों में रहे उनके खातों में कुछ ना कुछ उनको राहत के रूप में जो है सरकार दे। प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन बिलासपुर के प्रधान पटियाल ने 31 मार्च 2021 तक बस अड्डे में कटने वाली पर्ची सहित SRT व टोकन टैक्स माफ करने की प्रदेश सरकार से अपील की है, ताकि कोरोना संकट काल में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को कुछ राहत मिल सके। प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन प्रधान बिलासपुर, जो कोरोना महामारी का दौर चला हुआ है उसमें बसों का जो संचालन चल रहा है वो बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि सवारी बाहर निकल नहीं रही है, किराए में बढ़ोतरी की है हमारी मांग थी, लेकिन फिर भी सवारी जो है वो प्रॉपर बाहर नहीं आ रही है, जिससे हमारे कारोबार जो है बिल्कुल ठप है। क्योंकि बस अड्डे में जब हमारी बस जाती है तो उसमें हमें हर बस अड्डे के ऊपर 70 रुपये की पर्ची जो है देनी पड़ती है, जिससे हमारे डीजल के पैसे भी पहले पूरे नहीं होते हैं, ऊपर से हमें इन पर्चियों की मार भी बहुत है। हमारी सरकार से मांग है कि जब तक कोरोना काल चला हुआ है आधिकारिक सूचना नहीं होती है तब तक जो है हमें अड्डा पर्ची जो है वो माफ़ की जाए, और हमारी जो SRT और टोकन टैक्स है उसमें 31 मार्च 2021 तक जो है हमें माफ़ किया जाए। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।